अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। तो तकरीबन 5 बजे का टाइम है और मेरा हुआ है जनाब वॉक टाइम। तो मैं वॉक के लिए आई हुई थी, बड़ा प्यारा मौसम था, साथ ये बड़ी रौनक लगी हुई थी बच्चों की। वो देखें, एक बच्ची स्केट्स पकड़ पकड़ कर कर रही थी, तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। और यहाँ पर इस ट्रैक पे जो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ लगती है ना, वो ये साइड पे दरख्तों के ऊपर जो ब्लॉसम्स निकले हुए हैं ना, इनकी इतनी अच्छी खुशबू है कि वॉक करने का मज़ा डबल हो जाता है। तो बस फिर यहाँ से वॉक करके मैं जल्दी जल्दी जाऊँगी घर और देखती हूँ कि क्या बना हुआ है। चावल बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे घर बने हुए हैं दाल चावल और चपली कबाब। और ये चावल, ये मेरा फेवरेट मेन्यू है। हाँ, बहुत अच्छे बने हैं। ये थोड़े से येलो इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमने मक्खन का दम लगाया हुआ है। तो जनाब, इसी काम करते करते, क्योंकि अभी 5 मिनट में रोज़ा खुल रहा है, आपका वेलकम हो गया हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। अभी अभी मैं वॉक करके आई हूँ और वॉक करते हुए मुझे मिली हैं जनाब किंजा और अक्सा। किंजा और अक्सा, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा कि आप हमारे ब्लॉग्स को इतना पसंद करती हैं कि आप रोज़ देखती हैं। तो मैंने उन्हें कहा था मैं उनका नाम लूँगी। और इसके अलावा मैं सुबह गई हुई थी G9 मरकज़, क्या करने गई हुई थी, क्या लेने गई हुई थी, उसके लिए आपने ब्लॉग देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े का ब्लॉग है, एंड तक देखें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब करें। इतने मज़दार चावलों के धुएं के बीच में जो मुझे देख रहे हैं वो मुझे कर ले सब्सक्राइब। यार देखिए, बात ये है कि सब्सक्राइब कर ले जरूर, मैं आपके लिए रोज रमजान में दुआ मांगूंगी, ठीक है ना। तो चले जी, मिलते हैं अभी से अजानों के बाद। तो जी, यहाँ पर मैं निकल आई हुई हूँ G9 मरकज की तरफ, क्योंकि काम खत्म हो गया हुआ था। मैंने कहा चलो चलकर देखते हैं कि ईद पे क्या स्टफ़ आया हुआ है और क्या सूरत हाल है। तो जनाब, G9 मरकज़ माशाल्लाह फुल ऑफ रौनक था, बहुत प्यारा स्टफ़ आया हुआ है, भरी हुई थी दुकानें न्यू स्टफ़ से। कुछ तो समर कलेक्शन आई हुई थी, कुछ ईद की गहमा गहमी थी। तो मैं काफ़ी देर वहाँ पर घूमती फिरती रही, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत मैंने भी ले ली। तो वो आपके साथ अभी मैं वापस जब क्लिनिक जाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, कितने का है? 2 पीस है। और ये 2200, ठीक है। और साथ यहाँ मैचिंग दुपट्टे भी हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा है, 2200 का है ना जी। मैम सिला सिलाया बिल्कुल मैम, लोन है और बड़ी अच्छी वाली लोन है। और दुपट्टा कितने का होगा? 500। अच्छा, ये कढ़ाई वाले दिखा दो, एम्ब्रॉयडरी वाले। तो अच्छा सा जैसे ये है बेटा, ये मुझे अच्छा लगता है। तो इसके नीचे हम मैच कर लेंगे ना। इसके साथ जो ब्रास में ये कितने की है शर्ट? ये भाजी इसकी प्राइस है 2000। अच्छा, ये भी अच्छा। और इसकी क्या प्राइस है? ये भाजी इसके साथ ये ट्राउजर है, ये 3000 का है, ठीक है। ये कितने का है? ये भी सेम प्राइस है, 3000। इसके साथ दुपट्टा नहीं है? ये दुपट्टा कितने का है? अच्छा, साथ ये दुपट्टा मैच इस तरह का, हाँ कंट्रास्ट में सही। देखिए सिले सिलाए सूट भी अच्छे हैं, जैसे ये 3000 का, इसके साथ ये ट्राउज़र, और ये भी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ट्राउज़र के ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी है और साथ ये बहुत अच्छा है। आगे चल के देखते हैं। और ये
फराज नीचे कहाँ से जाना है? यहाँ से नहीं, ये देखें यहाँ बेसमेंट में भी सारी शॉप्स हैं। पुराना बाजार है ये G9 मरकज और बड़ा ही अच्छा है। चप्पलें देखें, चले आए चप्पलें देखते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत खूबसूरत चप्पलें हैं यहाँ पे, वेरी नाइस। इधर से उनके लिए चप्पलें भी देख लेते हैं, है ना? क्या लें जी, पहन के देखते हैं, ये भी लेते हैं, है? ये कितने का है? सेल कितने का है फिर भी? 1000 रुपये में। और दूसरी जो मैंने दिखाई थी ये वाली कितने की है? ये भी 1000 की। ये भी 1000 की है, इसमें साइज बड़ा है। अच्छा, वो डबल सोल वाली भी दिखा दें। और इसकी क्या प्राइस है? वो 1000 में, ये 15 में। ये 15 में है। और ये वाला जो है ना, ये जो ये मैरून वाला भी दिखा दें। डबल सोल ये अच्छा है जी मैम। हाँ ये मैरून दिखा दें। अच्छा, ये डबल सोल वाला कितने का है? 1500 में। ये 1000 में है। सॉफ्ट कंफर्ट चीज है। अच्छा, फ्लैट 1000 में है और जो डबल सोल वाले हैं ये 15 में। नाइस, इसको गोल्डन ब्लैक ये चीज कलर है, वेरी नाइस। चलिए बस, पर आज ये अच्छी है वैसे ये। बाकी कोई इशू ना, मैंने पसंद ना चेंज हो सकता है, उसका नहीं चेंज हो जाएगा। ये कितने का है सूट? ये 3000। 3000 का जी। ये शलवार है, बहुत दुपट्टा है। शलवार है और ये दुपट्टा, दुपट्टा बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा दुपट्टा है। ये कमीज है? ये कमीज है जी। दुपट्टा सादी शलवार ना, साथ ही दुपट्टा है। ये कितने का है? 3000। क्या चीज चाहिए भाई? ठीक है, ये अच्छा। और एक मैंने पिंक भी निकलवाया था, वो भी जरा खोल के दिखा दो। बड़े साइज की अच्छा, ठीक है। और इसके साथ, इनके साथ ये जरी का दुपट्टा होता है। अच्छा, जरी का दुपट्टा है। अच्छा, ये देखिए ये कॉटन है जी। बड़ा प्यारा दुपट्टा है। और साथ सिंपल शलवार, प्लेन शलवार दिखा दें। ये भी सूट प्यारा है, मुझे तो ये भी अच्छा लगा। मैं तो ये दो फाइनल कर रही हूँ। और अगर कोई एक आध अच्छा कोई आपको लगता है, जैसे कि कोई बहुत ही सुथरा पीस है, ये नीले वाला दिखा दें सेकेंड नंबर से। दुपट्टे की लेंथ 2.5 गज। 2.5 गज होती है। अच्छा, इसके अंदर भी ये काम है? जी जी, सीक्वेंस का काम है। सीक्वेंस का काम है। ये नीचे से चुभने वाला था? नहीं 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 नहीं, ये ऊपर की तरफ है। अच्छा अच्छा, ऊपर की तरफ। और इसमें ट्राउजर सिंपल। ठीक है। ये दिखा दीजिए, दिखा दो। मल्टी शेड है, बहुत प्यारा शेड। और दुपट्टा भी बड़ा प्यारा। अच्छा, सूट बहुत।
ये मल्टी कलर है, ये मल्टी में मगर ये भी 3000 का है जी। ये 3000 यहाँ पे 3000 है। आप किसी बड़ी शॉप में जाएंगे तो ये 5500 का। हाँ जी G9 है ना, ये G9 में थोड़ा हर तोला रखा है इन्होंने प्राइसेस पे। ये भी बहुत अच्छा है। और ट्राउजर का कलर लाइट ब्राउन, उसमें लाइट और दुपट्टा, दुपट्टा इनके साथ मल्टी कलर में। ये वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल जी मैम, है ना। अच्छा मैं सोच रही हूँ कि मैं ये पसंद आएगा उसे, है ना जी मैम। एक तो ये दे दें। अच्छा अच्छा दूसरा भी सेम वही चीज़ मैम, ये भी प्यारे है ना जी मैम, बहुत प्यारा। हाँ वेरी ब्यूटीफुल, पूरा आगे इसके एम्ब्रॉयडरी पूरे सीक्वेंस का काम हुआ और ग्लिटर पे काम हुआ। आई लाइक इट, है ना। अच्छा मैम, और इसके नीचे ट्राउजर भी इसी तरह दिखा दे, सॉफ्ट। ये इसका ट्राउजर है, एक ये ले लेते हैं, है ना। ठीक फराज जी मैम, आप भी अपना सूट देख लेना यहाँ से। कौन सी वाली लाइन है ये देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 कलर है। फराज देखें जी मैम, देखिए ये आपका सूट भी बहुत अच्छा बनेगा और कलर बड़ा प्यारा कलर है, पिस्ता कलर जी हाँ, पिस्ता कलर इन पे अच्छा भी लगेगा। ये कलर है, इनके अलावा ग्रे है भी ना, जो कलर ना हो जो नहीं है वो ले आप जी। यार मुझे ब्लू कलर पता नहीं क्यों नहीं पसंद आता, बच्चों वाला कलर है ये। टी कलर क्यों नहीं आप देखते, ये वाला टी कलर। खैर अपनी मर्जी करें, ये मैं खदर टाइप ये नहीं, ये उससे तो वो लॉन है, कॉटन है, कॉटन कॉटन निकालें। व्हाइट क्यों नहीं, ब्लैक का भी आजकल बहुत रिवाज है। फराज साद ने भी ब्लैक मंगवाया है और मुजीब ने भी ब्लैक शलवार कुर्ता लिया है। वाह ये बड़ा अच्छा कलर है, खिलता हुआ कलर है ना जी। दिस इज नाइस, ये कलर अच्छा है, बहुत अच्छा कलर है। देख लें या काला ले लें या ये ले लें। तो बिल्कुल सफेद नहीं पहनते हो तुम? चले ठीक है फिर, इन पे अच्छा भी लगेगा। हाँ ये वैसे मैंने कभी आपको पहने हुए देखा नहीं है कलर, फिर ये कर लें। चले जी ये कर दें। तो जी मेरा तो काम हो गया है, मैंने कहा वापसी पे आपको दिखाते हैं ईद की रंगारंग। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत शॉपिंग होती है यहाँ से, मज़ा आ जाता है। सामान ही सामान और वैरायटी ही वैरायटी है। ये है जी G9 मरकज़, ये देखें यहाँ से लेकर पूरा चारों तरफ। ये देखें दीज आर ऑल स्टॉल्स, अच्छी चीज़ें मिलती हैं और बाकी जगहों से काफ़ी ज़्यादा ये मतलब है इकोनॉमिकल है। ये क्या है यहाँ पे, इतर है सईद गनी का है ये तो, सईद गनी। यहाँ पे सारी वो ऑयल्स और प्योर इतर वगैरह मिलते होंगे, ये सारे बैग्स। ये देखें जी ये खुस्से की शॉप है, बड़े खूबसूरत खुस्से यहाँ से मैं हमेशा खरीदती हूँ, खास तौर पर जब मैंने अमेरिका भेजने हों। साथ ही यहाँ पे टेलर्स वगैरह भी बैठे हुए हैं, ये देखें टेलर्स की शॉप्स। अच्छा जी ये जो मैं कह रही थी ना, यहाँ पे दुपट्टों की रंगवाई हो रही है,
ये देखो ये मैरून कलर दे रहा है, और ये देखिए जी यहाँ पे सारे रंग रखे हुए हैं। तो ये रंगसाज है, रंगसाज ये देखिए ये मैरून कलर दे रहा है। ठीक है जाओ जा सकते तुसी हो। ये आप नहीं पाओगे जी। ये कॉटन पे कर रहे हैं जी। अच्छा वाह जी वाह। मैरून हाँ जी, पर्पल डार्क पर्पल, डार्क पर्पल हो जाएगा। ये देखिए जी कितना अच्छा ये यहाँ पे डाई हो रहा है, बहुत अच्छी यहाँ पे लेस पॉइंट है। मैं भी यहाँ से लिया करती हूँ, अब मैं नीचे नहीं जा रही, लेकिन ये देखें यहाँ पे सारी लेसेस हैं। तो एक एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। ये सामने टेलर साहब हैं, आगे आप चलें तो यहाँ से आप मुर्गियाँ शुरियाँ ले सकते हैं। अच्छा जी क्या रेट है इसका प्याज का? अच्छा जी वो लिस्ट है जनाब, ये आप देख सकते हैं। ये देखें जी ये लिस्ट है, बड़ी अच्छी शॉप है, ये पुरानी शॉप है हमारी। ये देखें फ्रेश फ्रेश गोभी है, करेले भी आए हुए हैं, ये ले लो। और ये जनाब यहाँ पे गाजर दो किस्म की, ये देसी गाजर है, ये चाइनीज़ गाजर है, खीरा, सेब, ग्रेप, स्ट्रॉबेरीज। अच्छा जी चीज़ें सारी आ गई हैं, और ये जो चीज़ें आई हैं ये आई हैं एक तो फराज के लिए, बख्तावर के लिए, शाजिया के लिए, बाकी अभी रह गई नायला और अरीज। तो कहते हैं सबर का फल होता है जनाब मीठा, और देर आए और दुरुस्त आए। तो मैं पहले फराज का दिखा देती हूँ। ये जनाब फराज हमारे के लिए हमने प्योर कॉटन का सूट लिया है, बहुत ही प्यारा कलर है, और ये कलर फराज के पास था भी नहीं। हालांकि बीच में फराज प्लस माइनस हुआ कि भी मैं भी चारकोल ब्लैक कलर आजकल है ना जरा थोड़ा इन है, उसने पहले सोचा, फिर उसने कहा नहीं मैं यही लूँगा। तो ये तो हो गया फराज का। अब इसमें से ये दो हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दोनों एक ही जैसे सूट हैं। तो एक सेकेंड मैं जो है ना वो नायला आप निकाल कर दिखाएँ, मैं फ़ोन अटेंड करके आती हूँ। खोल के दिखाएं दुपट्टा, इतनी प्यारी हवा आ रही है ना घर से, वाह भाई वाह, है ना कूल कलर। पहन के दिखाएं, वाह है ना प्यारा। और इसके साथ जो है ना ये शर्ट, इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस का काम भी है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि थोड़ा गर्मियों का हो, प्लस जो है वो ईद का भी हो जाए। और इसके साथ ये हो गया ट्राउजर, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अब दूसरा सूट, मेरा फेवरेट आजकल हुआ हुआ है पता नहीं क्यों, येलो कलर ये कैसा है? कैसा है कैसा है, एक्सीलेंट ना, मतलब इसके साथ पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसका ट्राउजर है, ये भी थोड़ा सा स्टाइलिश है, और ये इसका है जनाबे अली साथ, बड़ा ही प्यारा सा दुपट्टा। मुझे तो लगता है मैं अच्छे सूट ले आई हूँ, है ना। इनमें हल्का हल्का एक देखिए ना, ये इसमें गोल्डन टच भी है और एम्ब्रॉयडरी भी है, और लाइट के लाइट है, और अगर आगे बंदा चाहे तो गर्मियों में पहन भी सकता है। तो ये हो गए उनके सूट, और अब अरीज आपको दिखाएंगी उनके लिए जो हमने खरीदे हैं जूते। हाँ जी अरीज,
कैसा है? ये बहुत प्यारा है। दिखाई जरा आगे करे, मैं क्लोज अप लूं। वैसे बड़े ही खूबसूरत जूते हैं। और दूसरा है ये वाला? ये वही वाला स्टाइल मैंने लिया है और ये है गोल्डन, मतलब ये सिल्वर और गोल्डन का मिक्सचर है। बड़ी ही और पैन के ना ये कंफर्टेबल है जूता। अब जरा आप येलो के साथ लगाइए ना ये वाला, आई थिंक हाँ ये देखे ना, ये देखे, ये येलो के साथ ये चला जाएगा। और जो दूसरा है ना जो मैंने सोचा था, बिकॉज इसके अंदर थोड़ा रेड है ना, तो इसके साथ चला जाएगा ये। यस, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी ये शॉपिंग मेरी। और अब इंशाल्लाह ताला ये मैं उनको दूंगी, अल्लाह करे कि उनको पसंद आ जाए। नायला को और अरीज को तो आए हैं जनाब, ये बहुत पसंद आ गई हैं, पसंद। ये देखें जी इनसे हैं, इंजेक्शन जितने मर्जी लगवा लो कपड़े नहीं तय हो रहे। ये देखो, ये देखो नायला क्या कर रही है, ये देखो क्या कर रही है नायला। अरीज आपने क्या गुल खिलाए हैं, ये देखो जरा। हाँ जी अरीज क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ फ्रांस के उस ड्रेस के साथ ना ये जूती मैच हो रही है। ठीक है, मुझे दे दे, मैं रोमा को दे दूंगा तो सूट पहन लूंगा। नहीं वैसे बाकी फराज आपके आपके ड्रेस के साथ ये जूता जा तो रहा है। हाय हाय हाय, क्या लगोगे फराज, वाह। अच्छा जी, तो 5 बजे का टाइम है और ये देखें कि यहाँ पर किसी ने क्या लड़ाई शुरू की हुई है। और मुझे इतना अफसोस होता है रमज़ान में ये देखकर कि जैसे ही थोड़ी सी भूख लगती है सारे एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। देखें जो भी हम रोज़े वगैरह रख रहे हैं ये हम अपने और अल्लाह ताला के लिए रख रहे हैं, किसी इंसान के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं कि हम उससे लड़ना शुरू कर दें। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए और जितना हम सब्र करेंगे उतना ही हमें सवाब मिलेगा। क्यों करता है ये? नहीं ये रोजा लगा हुआ होगा। नहीं मैम इसका रवैया ही इस तरह बोलता हूँ मुझे रोजे के बारे में। अभी मार कुटाई ना शुरू हो जाए। ओ ये मुझे तो लग रहा है मार कुटाई हो रही है। मुझे तो नीचे से नजर आएगा। ले जी मैं पहुंच गई हूँ घर और फूल देखें कितने सारे हमारे निकल आए हैं। वाओ वाह जी वाह, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अभी और निकलेंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बख्तावर क्या बनाया है? मैंने आज कबाब बनाए और दाल। या छपली कबाब जी, मजेदार। साथ में चावल बनाऊंगी। और ये है हमारी साथ मूंग और मसूर की दाल जी बानी। और बॉइल्ड राइस जी बाजी। और ये साथ हमारा कचूमर सलाद। कचूमर बाजी वाह, आज बहुत मज़े का मेन्यू है, लाइट का लाइट और यमी का यमी। तो और इसके अलावा पकौड़े पकौड़े बाजी और साथ फ्रूट चाट और दूध के अंदर रूह अफजा डाल के और चिया सीड्स वगैरह डाल के डालना पड़ेगा। चले जी ये हमारा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। रोजा लगा हुआ है क्या आप रोजे को? कौन किसको लगा हुआ है रोजा, आपको या आप रोजे को? आज मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। ओह माय गॉड, हालांकि कल मुझे आपने इतना बड़ा आलू का पराठा खाया था। हाँ, बस वो एक ही खाया ना। चले मुझे जब भूख लगती है ना सबसे ज्यादा सवाब तब मिलता है और अल्लाह ताला के बड़े करीब हो जाता है इंसान। तो जो दुआ मांगनी है मांग डालनी। अच्छा जी ये हमारा बना हुआ है चिया सीड्स वाला दूध जिसके अंदर चीनी बिल्कुल नहीं डाली हुई है, थोड़ा सा रूह अफजा डाला हुआ है। और अब ये सारी चीज़ें जब तैयार होती हैं रेडी होती हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं। बख्तावर आपके लिए मैं ईद का ड्रेस लाई हूँ, आप आकर देख लें। थैंक यू बाजी। यू वेलकम। ये है बख्तावर, ये देखिए, ये आप निकालो, ये मैं निकाल लेती हूँ। मैंने कहा दे देते हैं फटाफट। अच्छा ये है क्या भाई, दे तो बताओ पहले। ईद के अच्छा ईद की सूट। अच्छा 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 ओके ओके, व्यूअर्स को मैं दिखा चुकी हूं पहले मैंने। अच्छा। ये तो बख्तावर ने चूज करना है ना कि इसमें से कौन सा लेना है।
ये देखो दुपट्टा कितना प्यारा है। और इसके साथ ये है इसका ट्राउजर, और इसके साथ जो जूता है वो ये है, वो खोलें। ये इसके साथ मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि ये इसके साथ प्रिंटेड ट्राउजर है, और ये इसका दुपट्टा है, ये देखिए है ना, वो मैंने रखा है ये गोल्डन। चलो जी मजे हो गए भाई। जब वो कहते हैं ना, जब बच्चा मिठाई की दुकान पे जाता है ना या खिलौनों की दुकान पे, उसका दिल करता है ये सारा ही मैं ले लूं। जी नहीं, मैं आप यकीन करें, इतना आया हुआ था कपड़ा अच्छा कि मुझे खुद बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक से एक बढ़ के सूट है, अच्छा एक से एक बढ़ के। तो अभी आप वैसे तो दोनों ही अच्छे लगे, दोनों अच्छे हैं भाजी। देखो ये लो जी अभी। अब ये ऑडियंस के सामने, व्यूअर्स के सामने आपने एक पिक करना है जी बाजी जी। वो ये ना ना कहेंगे कि दोनों बाजी नहीं रख रही है, मेरा तो अपना दिल कर रहा है कि मैं रख लूं और मैं सिलवा लूं। तो ये अब गवाह हैं आप सारे क्या वो एक अपना ले रही है। ये मैं भी ले रही थी। येलो येलो। अच्छा ये पहन के देखो, ये जूता पहन कर देखो, ये बड़ा कम्फर्टेबल जूता है जी बाजी। ठीक है पूरे और आरामदेह लग रहा है, जैसे उधर शीशे के सामने देखे लग रहा है इसी के लिए। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू बाजी जी, यू आर वेलकम। ईद मुबारक हो गया हमारा भी। जितनी दफा मर्जी करें, ईद मुबारक का क्या होता है। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट। हाँ तो बस अभी थोड़ी देर में मैं जा रही हूँ वॉक करने, और उसके बाद हमारा रोजा खुलता है। हाँ। फिर आपकी बाबा से भी मुलाकात कर, नहीं तो फिर जाफर हमारा, जाफर के लिए कौन सा, उसके लिए नहीं, जाफर के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा मतलब करेंगे जी। अच्छा ठीक है। रात को इतने बड़े बड़े आलू के पराठे खाए हैं बख्तावर, लेकिन भूख लग रही है अभी। आधा घंटा कितना टाइम रह गया अभी, मेरा ख्याल है आधा घंटा तो रह गया बाजी। हाँ चले फिर। वाह मेरे वास्ते आया, शुक्रिया बाजी। साथ थोड़े शूज भी बाजी, जितनी कितनी सोनी है, उसके साथ मैचिंग है। क्या बात है बाजी, बाजी पार्क चेक कर करो ना, जाहिर है क्या बात है जी, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। कोई बात नहीं माशाल्लाह, ये दुपट्टा शुक्रिया बाजी जी, वाकई लगता है कितना सोहना है सूट मेरा, बहुत प्यारा है, और साथ मैचिंग जूता है। हां बाजी बिल्कुल है, तो बड़ा ही सोहना है नो। थैंक यू, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं कहनी है बाजी कसम अल्लाह दी, मैंने तो बहुत सोहना लगी, मैंने रंग में जिंदगी च नहीं पाया। नहीं तुम जो भी रंग पहनती हो अच्छा लगता है। शुक्रिया बाजी, वैसे बख्तावर बाजी की पसंद बड़ी सोहनी, बहुत अच्छा, मेरा भी बहुत अच्छा। शुक्रिया बाजी, कपड़े हैं बहुत अच्छे रखे हैं, बड़े अच्छे आए मेरे बाजी, कपड़ा भी बहुत अच्छा है कराची कंपनी में। हां माशाल्लाह बाजी। तो जनाब रोजा खुल गया हुआ है, और ये हमारा मेन्यू है हमारे दस्तरखान पे आज, दाल चावल चाट वगैरह, चपली कबाब, ये हमारा ड्रिंक है चिया सीड्स वाला, पकौड़े, और ये पकौड़ों जैसा एक बंदा। मैं तो अंजुम यकीन मानो, मैं हर वक्त दुआ करता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए भी, उनको जो जितने लोग हमें देखते हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे, ढेर सारी खुशियाँ दे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, उनकी जो नेक तमन्नाएं हैं वो पूरी करे, और रोज़े की हालत में ये दुआ जो है ज़्यादा कबूल होती है, कबूल करे। आमीन आमीन। और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि जिसने हमें इतना कुछ रिस्क दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इसी तरह हमारे और आपके रोज़े अच्छे अच्छे गुजरते रहें। अगले व्लॉग तक के लिए मेरे और बाबा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाजिया जी बाजी, ये एहसान का सूट ले लो, ये ये तो बड़ा कमर प्यारा है, कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है, ये पसंद है, तुसी ले आंदा बाजी।
ये तो साड़ी पसंद आ कि भी पता है भाजी ये मतलब मैं इसलिए लाई थी इस तरह का वॉश एंड वेयर नहीं है मैं कसम अल्लाह दी दा कलर इदा दा थी नहीं ते मैं आंदी सी भी मैं इदा दा लवांगी उंदा कलर शुक्रिया भाजी बहुत बहुत तुसी कितना ख्याल करदे ने साडा भाजी यू आर वेलकम बहुत शुक्रिया भाजी